जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आर्मी में जो एक्सीलेंट मारते हैं बच्चे, वो लोग रात में क्या करते हैं। जो एक्सीलेंटर होता है वो उसका रात में क्या डाइट लेते हैं, क्या लेते हैं जो एक्सीलेंट मारते हैं सुबह में, उसकी स्टेमिना खत्म नहीं होती है, उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, क्या करते हैं आखिर, मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, ठीक है। मेरा गला वैसे फंसा हुआ है, ज़्यादातर मैं जोर से नहीं बोलूँगा, लेकिन वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, ठीक है। तो मैं फिजिकल के बारे में अगर मेरे से पूछ सकते हो कि किसी प्रकार की कोई परेशानी है, तो आपको अगर सिन पेन हो, रनिंग में स्पीड नहीं बढ़ रहा हो, फिर रनिंग में क्या एक्सीडेंट कैसे मारना है, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, तो परेशानी हो, तो हमसे पूछ सकते हो। हम आर्मी फिजिकल दो बार एक्सीडेंट मारे हुए हैं, ठीक है। मेरा अभी तक ज्वाइनिंग हो गई है, ठीक है। और रही बात की मेरी टीए की पहले भर्ती निकाली है, सो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो किसी प्रकार की दिक्कत हो। तो आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों की आर्मी जो रेस है उसमें एक्सीडेंट मारने के लिए हमको रात में क्या खाना चाहिए, लोगों को क्या करना उस रात में। आप लोगों को कोई लोग बोलता है कि केला खा लो, तो केला खाने से मतलब कि शरीर में एनर्जी बन जाएगी। तो कोई बोलता है कि रसगुल्ला खा लो, स्पंज खाने से भी शरीर में ताकत आ जाती है। तो कोई बोलता है सेव खा लो, तो कुछ खा लो। कोई बोलता है कि तो इतना तक कि कोई रेड ब्लू पी लेता है ताकि 100 रुपये की एनर्जी ड्रिंक आती है, सेव पी लेने से रनिंग स्पीड बढ़ जाएगी। तो भाई मेरे सब गलत फहमी मत रहना, रनिंग स्पीड बढ़ने के लिए 100 दिन जो इंसान साल भर मेहनत करता है, अगर एक दिन मतलब खा लेगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, जो साल भर मेहनत करता है उसका क्या। सो प्लीज़ ऐसा फालतू के कमेंट पर, फालतू के इस पर पैसा इन्वेस्ट मत करना, जो मैं बता रहा हूँ उसे फॉलो करना। अब सबसे पहला बात कि जिस दिन आप भर्ती देने जाते हो उस दिन रात में आपको सबसे पहले रेस्ट करना है, आपको कम से कम 4 से 5 घंटा नॉर्मली रेस्ट करना है। अगर रेस्ट नहीं करते हो तो सुबह के दौड़ आपको निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो प्लीज़ आप लोग उस दिन रात को रेस्ट करना, ठीक है। आप उस दिन रात को रेस्ट करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको डाइट क्या लेना है, आपको घर का जो खाना खाते हो सिंपल खाना, रोटी दाल सब्जी जो भी खाते हो, चावल दाल सब्जी वही खाना है, आपको कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं खाना है, ठीक है। वही खाना आपको खाना है, फिर आपको रेस्ट करना है। तो खाना आप खा लेते हो फिर रेस्ट करते हो, ठीक है। उसके बाद आपको हो सके तो रात में एक गिलास गर्म दूध मिल जाए तो आपके लिए सबसे बेहतर है, गर्म दूध पीना है। गर्म दूध पीने से क्या होता है, आपकी सुबह कब्जियत जो होती है पेट की वो नहीं बनती है, ठीक है। तो आपको गर्म दूध पीना है, फिर सुबह में उठना है 2 बजे, 2 बजे उठ करके आपको फ्रेश होना है। फ्रेश होने के बाद आपको पहले गर्म पानी थोड़ा पी लेना है, उसके बाद फ्रेश होना है, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना है, रनिंग चक्कर तक जाने तक कुछ नहीं खाना है आपको, कोई कुछ भी नहीं खाना है, ठीक है। जब रनिंग चालू हो जाए तो मैं सबसे पहला बात कि आप लोगों की वीडियो में बताया हूँ कि रनिंग के जब अंदर घुसते हो तो क्या क्या करना है, उस वीडियो होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, वो वीडियो भी देख लेना, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर कोई बोलता है ये खा लो वो खा लो, ये खा लेने से वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो जाएगा भाई मेरे, मत करना, ठीक है। फालतू की बात होती है, एक दिन खाने से कुछ नहीं होता है। सो प्लीज़ इतना फॉलो करना जो मैं बताया हूँ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, भारत माता की जय।